जय श्री राम मित्रों, भगवान राम का नाम जपने से कौन कौन से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है मित्रों। क्योंकि हम राम नाम तो लेते ही है, श्री राम जय राम जय राम तो हम करते ही हनुमान चालीसा पढ़ने से पहले, तो हमें कौन कौन से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। पांच ऐसे देवी देवता हैं जिनकी कृपा आपको राम जी का नाम लेने से प्राप्त होती है मित्रों। अगर आप जानना चाहते हैं तो मेरा वीडियो पूरा देखें। जय श्री राम। जय श्री राम मित्रों। मित्रों, मैं आपका दोस्त एस्ट्रोलॉजर गिरीश शर्मा मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मित्रों। मित्रों, आप लोगों का मेरे चैनल को बहुत बहुत प्यार मिल रहा है, यही प्यार सदा बरकरार रखिए और मैं आपके लिए अच्छे अच्छे टॉपिक्स लेके आता रहूँगा, जो आपका ज्ञानवर्धक टॉपिक, जो आपका ज्ञान बढ़ाएं और हिंदू धर्म में जागृता लाने के लिए मेरा ये प्रयास जारी रहेगा मित्रों, कि हर बच्चे को, हर हिंदू को अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म की विशेषता के बारे में पता लगे। इसके अलावा मित्रों, आप और कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स करके बताएं कि किस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, उस टॉपिक पर हम वीडियो बनाएंगे। जिस टॉपिक पे ज़्यादा कमेंट आएंगे उसका हम पहले बनाएंगे, फिर जिस टॉपिक पे थोड़े कम आएंगे उसको हम उसके बाद लेंगे। तो आप देखिए, आप जो भी चाहते हैं जिस टॉपिक पर आप वीडियो बनाना, मुझे आप कमेंट करके बताएं। मित्रों, आज जो मेरा टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग है। किसी व्यूअर ने पूछा था, मैं व्हाट्सएप पर पूछा था जहाँ तक मुझे ध्यान है, कि हम राम जी का नाम लेते हैं तो आप ये बताइए हमें कौन कौन से देवताओं की प्राप्ति हो, कृपा प्राप्त होती है। क्योंकि वो जो व्यूअर थे वो भोले बाबा के भक्त थे, तो उनको ये था कि मैं अगर राम जी का नाम लेता हूँ, हनुमान चालीसा पढ़ता हूँ तो ऐसा तो नहीं होगा भोले बाबा नाराज़ हो जाएंगे। तो मैंने उनको ऐसा कुछ भी नहीं है, देखिए इसलिए मैं शुरू करता हूँ कि हनुमान चालीसा पढ़ने से, भगवान श्री राम का जाप करने से कौन कौन से देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। मित्रों, सबसे पहले अगर आप श्री राम का नाम जाप करते हैं, भगवान राम का नाम जाप करते हैं, कंटिन्यू राम नाम जाप करते हैं, तो आपको महाबली हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त होगी, जो कि कलयुग के संकट मोचक हैं और हर संकट को हरने वाले हैं। और ऐसा कोई काम नहीं है दुनिया में, ऐसा कोई संकट नहीं है जो बालाजी महाराज की कृपा हो और वो संकट दूर नहीं हो मित्रों। तो सबसे बड़ी पहली कृपा प्राप्त होती है हनुमान जी महाराज की, विशेष कृपा प्राप्त होती है राम नाम जपने वाले भक्त पे। सबसे पहले नोट करें, राम नाम जपने वाले भक्त पे हनुमान जी महाराज की विशेष कृपा प्राप्त होती है। दूसरे मित्रों, जो राम का नाम जपता है मित्रों, उस पे भगवान शंकर की विशेष कृपा प्राप्त होती है मित्रों। किसी एक प्रश्न भी आया था कि क्या हम शिव मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं, तो मित्रों बिल्कुल आप शिव मंदिर में बैठ के हनुमान चालीसा का जाप कर सकते हैं और साथ में श्री राम जय राम जय राम का भी वहाँ जाप कीजिए मित्रों। बहुत बढ़िया रिजल्ट मिलेंगे आपको और बहुत प्रसन्नता होगी, भगवान शंकर भगवान आप पे बहुत प्रसन्न होंगे और आप पे कृपा करेंगे अगर आप राम का नाम जप करते हैं। क्योंकि भगवान शंकर भी कैलाश में बैठ के भगवान राम का ही जप करते हैं, आदि योगी हैं, आदि योगी भगवान राम का स्मरण करते रहते हैं। वो उन्होंने बताया है शास्त्रों में कि मैं तो राम जी का स्मरण करता हूँ और राम जी ने बताया कि मैं शिव जी का स्मरण करता हूँ। तो अगर भगवान राम का नाम जाप करते हैं तो ये दो देवी देवता मैंने आपको बता दिए, हनुमान जी महाराज और शंकर भगवान बड़े प्रसन्न होते हैं। तीसरे है माता अम्बा, अम्बे माता की कृपा प्राप्त होती है, क्योंकि सीता माता खुद लक्ष्मी माता अम्बे माता का रूप है, श्री का रूप है सीता माता खुद। तो भगवान राम का आप नाम लेंगे, उनके पति का नाम लेंगे तो सीता माता बहुत प्रसन्न होती है और वो आपको कृपा प्रदान करती है। तो राम का नाम लेने वाले के धन संपदा की कभी कमी नहीं होती है, राम का नाम लेने वाले की धन संपदा की कमी कभी नहीं होती है और माता रानी कृपा हमेशा बरसती है उस पर। चौथा मित्रों, चौथा पॉइंट, भगवान का राम का जो नाम लेता है ना उस पर लक्ष्मण भैया बहुत प्रसन्न होते हैं। लक्ष्मण भैया जो कि शेषनाग के अवतार हैं और पूरी पृथ्वी को उन्होंने अपने शेषनाग के फन पे पृथ्वी को संभाल रखा है, तो भगवान शेषनाग की कृपा प्राप्त होती है, भगवान लक्ष्मण भैया की कृपा प्राप्त होती है जो भगवान राम का नाम लेते हैं। और मित्रों आपको एक चीज और बता दूं, सबसे लास्ट बट सबसे इंपॉर्टेंट, भगवान राम का नाम जो लेता है साक्षात मेरे प्रभु, मेरे दयालु, मेरे सरकार भगवान श्री राम की कृपा उस बंदे को प्राप्त होती है। और उनकी कृपा ऐसी कृपा है, वो इतने दयालु हैं कि उनकी कृपा जब प्राप्त हो जाती है ना, तो मित्रों
किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती दुनिया में, क्योंकि वो तो साक्षात भगवान विष्णु के अवतार मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम हैं। जब उनकी कृपा प्राप्त हो जाती है तो फिर कहना ही क्या मित्रों। मित्रों, भगवान श्री राम जब कृपा करते हैं ना, तो वो इंसान को इतना निर्मल बना देते हैं, इतना पवित्र बना देते हैं, और दुनिया भर की सिद्धियाँ उसकी झोली में भर देते हैं, दुनिया भर की कृपा उसकी झोली में भर देते हैं। तो मित्रों, भगवान राम का नाम लेने से सिर्फ राम जी की कृपा प्राप्त नहीं होती है, इन पांचों देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। इसलिए भगवान राम का नाम सदा लेना चाहिए, जब भी मौका मिले, जब भी टाइम मिले, भगवान का राम नाम लीजिए। क्योंकि राम नाम में जो शक्ति है मित्रों, वो किसी भी चीज़ में नहीं है। अगर आप मेरी बात से एग्री हैं मित्रों, तो इस वीडियो को हर राम भक्त पर ज़रूर भेजिए, हर राम भक्त के पास भेजिए, और साथ ही इसमें जय श्री राम लिखिए नीचे, राम जी की शक्ति की पहचान दुनिया को बताइए, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, और हर राम भक्त जो भी मेरे इस वीडियो पे आता है वो जय श्री राम करके जरूर जाए मित्रों। जय श्री राम मित्रों, क्योंकि राम जी के नाम में जो ताकत है ना, वो दुनिया की किसी चीज़ में नहीं है। वीडियो समाप्त करने से पहले एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा, एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा मित्रों। मित्रों, जब श्रीलंका के लिए पुल बन रहा था, तब जो नल और नील थे वो पत्थर पे राम नाम लिख के डाल रहे थे, और वो राम नाम वाला जो पत्थर है वो तैर रहा था वहाँ पे। तो राम जी के मन में पता नहीं क्या सूझा, उन्होंने सोचा क्यों ना मैं भी एक पत्थर उठा के डाल दूँ। तो राम जी ने भी एक पत्थर उठा के डाल दिया। अब वो पत्थर डूब गया। अब राम जी बड़े आश्चर्य हुए, उन्होंने हनुमान जी महाराज से पूछा कि हनुमान जी एक बार बताइए कि मैंने पत्थर, आप लोग पत्थर डाल रहे थे वो तो तैर रहा था, पर मैंने जब पत्थर डाला तो वो डूब गया, ऐसा क्यों? तो हनुमान जी ने बड़े ही प्यार से, बड़े ही विनम्रता से कहा, प्रभु जिसे आप छोड़ देंगे वो तो डूब ही जाएगा ना। तो सीधी सी बात है, अगर आपने राम नाम ही छोड़ दिया, राम नाम लेना ही छोड़ दिया, और मेरे राम प्रभु ने जिसको छोड़ दिया उसका डूबना तो तय है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ मित्रों। जय श्री राम। अपनी हाजिरी जरूर लगाएं मित्रों वीडियो में। जय श्री